एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए, मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं फिर से आ गई हूँ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स के साथ। और तो चलिए आज पहला टिप्स यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टिप्स हमारा यहाँ पर चूड़ियों को लेकर के है। और क्या होता है, जैसे हम लोग चूड़ियाँ मतलब ख़रीद के लेके आते हैं मार्केट से ना, तो क्या होता है जैसे कभी कभी तो हम लोग वहाँ दुकान में ही पहननी पड़ती है हमको चूड़ियाँ। तो हम सोचते हैं कि अगर हम घर लेके आ जाए चूड़ियों को और जब हमारा मन चाहे तब हम पहन लें, है ना। तो होता है ना, हर लेडीज़ के साथ ये सब होता है, वहाँ पर पहनने को कभी कभी नहीं मन करता है या फिर घर ले आते हैं। तो क्या होता है जैसे हम लोग वहाँ से अगर घर लेके आ जाते चूड़ियाँ ना, तो चूड़ियाँ क्या होती है, बड़ी बड़ी चूड़ियाँ आ जाती हैं। अगर छोटी चूड़ियाँ लाते हैं तो फिर वो क्या होता है, टूट जाती हैं पहनने में ना। तो उसके बाद फिर हमारी चूड़ियाँ जो सारी जो है बर्बाद हो जाती है। और फिर बर्बाद तो जो भी हो, चूड़ियाँ अगर टूटती है तो ना हाथ भी कट जाता है कई बार। दुकानदार तो इतने अच्छे तरीके से पहना देते हैं ना, उन्हें तो एक आइडिया होता है चूड़ियाँ पहनाने का ना, पर हम लोगों को तो इतना आइडिया होता नहीं है चूड़ियाँ मतलब कैसे पहननी है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है यहाँ पे। तो चूड़ियों को क्या करना है, जैसे हमको छोटी चूड़ियाँ पहननी है तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक प्लास्टिक की पॉलीथीन ले लेनी है जो सब्जियों में आती है, उसको इस तरीके से पॉलीथीन ले करके और इस तरीके से चूड़ियों को पहनना है। छोटी से छोटी चूड़ी हमारे हाथ में आसानी से चली जाएगी और हमारा हाथ भी नहीं कटेगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है। अगला टिप्स हमारा यहाँ पर है जो ये पिन होती है, मतलब सेफ्टी पिन होती है और हमारी जो क्लिप्स वगैरह होती है ना, उसको क्या होता है जैसे हम लोग कहीं हमको जाते हैं, कहीं बाहर जाना होता है तो पर्स में हमको छोटे मोटे कॉस्मेटिक का जो छोटा मोटा सामान होता है ना, वो सब रखना होता है। या तो हमको कोई छोटे छोटे पर्स अलग अलग पर्स बना के रखना पड़ता है, जैसे सेफ्टी पिन है और क्लिप्स हैं या फिर हमारे इयर रिंग्स हैं, इस तरीके से ना सब अलग अलग रखना पड़ता है। तो ये भी हमें बड़ा झंझट लगता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे हमको जो क्लिप्स वगैरह हमारी है, इसको हमको रखने के लिए कैसे हमको रखना है इसको मैं बताती हूँ। ये तो इसको क्या करना है, हमको एक ले लेनी है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन ले करके इसको हमको क्या करना है, जैसे हमारी जो क्लिप्स हैं, जितनी भी क्लिप्स हैं, अगर ज़्यादा हमको लेके जानी है, ज़्यादा चाहिए हमको, कभी कभी खो जाती है तो हमारे पास एक्स्ट्रा होती है तो हमें फिर वहाँ पर काम आ जाती है ना। तो उसको क्या करना है, थोड़ी सा बड़ी पिन ले लेनी है। अगर ज़्यादा हमारे पास हमारी ये जो क्लिप्स हैं तो उसके लिए हमको थोड़ा सा बड़ा वाला सेफ्टी पिन ले लेना है। उसमें क्या करना है, इस तरीके से सारी हमारी जो क्लिप्स हैं ना, इस तरीके से इसमें डाल देनी है, फंसा देनी है, और ये बहुत ही अच्छे से फंस भी जाती है, बहुत अच्छे से। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से लगा के इसको सेफ्टी पिन को बंद कर देना है, और इसको हमको पर्स में आपको कहीं पर भी ऐसे भी डाल देंगे ना तो हमको आसानी से मिल जाएगी, है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। या तो पर्स में जो है ये जो सेफ्टी पिन है, इसको पर्स में साइड पे कहीं पर अंदर पर्स के अंदर लगा दें, या फिर इसको ऐसे ही रख दें, है ना। तो अगला ट्रिक हमारा क्या है यहाँ पर, को जो स्कूल बैग को लेकर के है, तो बच्चों के बैग होते हैं, आजकल तो छुट्टियाँ पड़ी है ना, तो बैग को हम धो लेते हैं, धोने के बाद हम उसको ऐसे ही रख देते हैं। तो कभी कभी होता है जी कि अलमारी में जगह नहीं होती है या फिर हमको ऐसे ही खुला रखना पड़ता है, इसके लिए हमको क्या करना है, जो तकिए का हमको कवर ले लेना है, जो मतलब बेकार पड़ जाती है, जो कभी तकिया के जो चादर फट जाते हैं तो उसके बाद जो कवर होते हैं ना वो पड़े रहते हैं, ऐसे ही बेकार होते हैं, तो उनको हमको फेंकने से अच्छा है यहाँ पर यूज़ कर लेना है। तो इसको क्या करना है, जैसे इस तरीके से बैग को तकिया के कवर के अंदर डाल देना है, जैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और इसी तरीके से जैसे हमारे जो बेड शीट है, मतलब वो जो है ब्लैंकेट वगैरह हैं, वो भी इस तरीके से तकिया के अंदर डाल दें। और तो बस इसको अगर रख दें, हम कहीं पर भी इसको रख देंगे ना, एक तो ये अच्छा भी दिखेगा, ऊपर से हमारा बैग भी गंदा नहीं होगा, तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा, है ना। तो ये भी टिप्स अच्छा है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और कई लोगों को तो पता होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा। तो मैं इसको रखने जा रही थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं, है ना। तो अगला टिप्स हमारा यहाँ पर क्या है, दूध को लेकर के है। दूध क्या होता है, अक्सर हम लोग गरम गरम दूध, मतलब दूध गरम करते हैं तो बच्चों को गरम गरम दूध दे देते हैं, और क्या होता है स्टील के गिलास में देते हैं तो कभी कभी हाथ भी जल जाता है, और हम सोचते हैं कि थोड़ा दूध ठंडा हो जाए, तो इसके लिए हमको जैसे जल्दी दूध पीना होता है और उसके लिए हमको ठंडा भी दूध करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर दूध को ठंडा करने के लिए हमको ले लेने हैं चाकू, कोई भी स्टील का चाकू ले लें, और इस तरीके से स्टील का चाकू ले लें और इसमें डाल दें, और चाकू होना चाहिए साफ़, और इस तरीके से हम इसको डाल देंगे ना, तो इससे क्या होगा, मतलब हमारा दूध जो है ना बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा, बहुत ही आसानी से ठंडा हो जाएगा, और हमको इसको बहुत ही जल्दी हम पी सकेंगे दूध को। तो ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, और
और प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगला टिप्स हमारा यहाँ पर क्या है, जैसे आजकल गर्मी के दिन हैं और हम लोग मंगलसूत्र पहनते हैं और उसमें क्या होता है, गर्मी के दिनों में एकदम कट जाता है ना, कभी कभी होता है कोई मंगलसूत्र ऐसे होते हैं कट जाता है, या फिर पसीने के कारण जो गले में ना बारीक बारीक से दाने जैसे या एलर्जी जैसी हो जाती है ना, एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है एलोवेरा। एलोवेरा तो हर चीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, कटे के लिए, जले के लिए, दाग धब्बों के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ले लेना है एलोवेरा। मेरे तो घर पे ही एलोवेरा होता हो रहा है। तो इस तरीके से एक टुकड़ा एलोवेरा ले करके इसको हमको काट लेना है, इस तरीके से काट के, और जो जो वहाँ पर पीला पीला हिस्सा निकलता है ना उसको भी काट के हटा देना है, क्योंकि उसमें होता है जहर, है ना। तो उसको हटा करके उसको इस तरीके से साइड का हिस्सा, जो पत्ती के जो साइड के जो कांटे जैसे होते हैं ना, उसको निकाल देना है, क्योंकि फिर वो चुभने लगेंगे ना। तो इस तरीके से इसको काट के उसके पत्ते के जो दो दो टुकड़े इस तरीके से कर लेने हैं। चाहो तो आप लोग इसको पीस करके इसका जेल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी तरीके से लगाती हूँ, मेरे खुद इतनी एलर्जी होती है, मैं ये मेरा खुद का जो फ़ोटो है, मेरे गले में ना गर्मी जैसी आती है ना तो इतनी एलर्जी हो जाती है ना। तो इस तरीके से इसको लगा लेना है, हल्के हल्के हाथों से एलोवेरा को लेकर के इस तरीके से मसाज जैसे कर लेना है, या तो आप लोग नहाने से पहले कर लें, नहाने से पहले कर लें इस तरीके से एलोवेरा लगा लें, और जब ये सूख जाए तो उसके बाद फिर नहा लें, और फिर उसके बाद साबुन से नहीं नहाना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, बस ऐसे ही नॉर्मल पानी से नहा करके धो करके इस तरीके से छोड़ देना है। या तो फिर नहाने के बाद भी लगा सकते हैं, जैसे नहाने के बाद लगा लिया, दिन भर में 2-3 बार अगर लगाएंगे ना तो हमारी सारी एलर्जी 2 से 3 दिन में एकदम गायब हो जाएगी, एकदम सही हो जाएंगे दाने, दाग धब्बे जो भी हैं। तो मैं यही करती हूँ, मैं यही लगाती हूँ, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है, जो करती हूँ वही शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मैं मसाज कर रही हूँ, और अच्छा भी लग रहा है इससे थोड़ी देर के लिए, जो किसी किसी को खुजली होने लगती है, हो जाती है, होगी, जैसे एलोवेरा से जैसे किसी को सूट नहीं होता है ना, थोड़ी देर के लिए खुजली होती है लेकिन उसके बाद फिर सही हो जाता है। तो आप लोग ये ना सोचें कि हमें खुजली हो रही है तो हमें सूट नहीं हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी देर के लिए खुजली खुजलाहट जैसी होती है, है ना। तो इस तरीके से मसाज करें इसकी एलोवेरा से। तो कैसा लगा हमारा टिप्स ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है ना तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और लाइक करना ना भूलिएगा, और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा गाइस, और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसी तरीके से यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो चलिए फिर, ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।